दिन बताया था लास्ट व्लॉग में वाले हैं, मतलब हमारी टिकट कंफर्म हो गई है, बट क्या हुआ कि हम घर पे आने के बाद हमें पता चला कि हमारी दो टिकट कंफर्म हुई थी, एक वेटिंग पे थी, ठीक है। तो वेटिंग से फिर उन्होंने उस टिकट को कैंसिल ही कर दिया, तो हम ऐसे ट्रेन में नहीं चढ़ सकते। तो बुआ ने मना किया कि आप लोग मत जाओ ऐसे। तो हम लोग 12 तारीख की टिकट मिली थी, 12, 13, 14 और 15-16 हो गया, 16 की हमारी बनी है। तो हम लोग सोच रहे करें क्या, घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो हम यहाँ आ गए। इसी व्लॉग में आपको देखने को मिला कि हम जा रहे हैं, मतलब स्टेशन का, ट्रेन का, ये सब सब का, और ट्रेन का भी मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी जो मैं आने के टाइम पे नहीं दिखा पाई थी। चलो आगे देखते हैं। अभी रात के बज रहे हैं 12:30 रेस्टोरेंट तो आपने देखा ही होगा। तो अभी रेस्टोरेंट में हम खाना खा के आए, आने के बाद अभी ये सब लेडीज़ पार्टी, वो ग्रीन वाली मेरी बुआ है, ये पिंक वाली मेरी मम्मी है, और वो जो है आंटी वो मेरी बुआ की क्या बोलते हैं उनको, देवरानी है। कोई कोई दुकानें हैं, कोई कोई जगह है जहाँ पूरी रात सब कुछ मिलता है, जैसे आपको इडली खाना हो, गोलगप्पे खाना हो, पाव भाजी खाना हो, चाउमीन खाना, नूडल्स वगैरह, चाइनीज़, कुछ भी सब कुछ मिलेगा। तो मैं तो गई नहीं हूँ अभी तक, जाया और मेरी जो कज़न है वो परसों रात को गए थे, आपके गए थे वो 2-2.5 बजे से गए थे, आए 4-5 बजे आए वो लोग। तो लोग पूरी रात वहीं थे, खाए पिए क्या क्या, मतलब सब कुछ मिलता है, एवरीथिंग मिलता है। आज मैंने ये ब्लैक कलर का ड्रेस पहना। मैंने बोला था ना आपको कि हम लोग रोए नहीं रोए, ये जरूर रोएगी, पता है इशू। तो अभी हम निकल चुके हैं, आज हमारी ट्रेन है, अभी बज रही है सुबह की 6:00। देखो यहाँ पे मुंबई में अभी तक रात है, हमारे वहां अभी तक उजाला हो गया, देखो लग रहा है कि 6 बज रहा है। बाबू फाइनली हम जा रहे हैं। तुझे बुरा नहीं लग रहा, देख तेरी बहन रोने लग गई। इशू ए इशू क्या हो गया दिखाना, इशू स्वीटी कैब आ रहा है। तो फाइनली आज हम जा रहे हैं, खुश नहीं यार, इतना मुश्किल से हमारा टिकट बना, इतना मुश्किल से हम निकल पा रहे हैं। 11 तारीख से हम कोशिश कर रहे हैं, 3 बार टिकट बना लिया, कैंसिल 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 कैंसिल, अब कल जैसे तैसे करके तत्काल में ही हो टिकट बना है। हम लोग अपना लगेज लगेज उठा लेते हैं, सब उठा रहे, देखो बुरा लग रहा है, बट नहीं घर जाने की खुशी भी है क्योंकि वहाँ पे मेला चल रहा है। हेमा मालिनी जी भी वहाँ पहुँच चुकी है, बट हम लोग नहीं पहुँचे अभी तक, अब सब लगेज नहीं लेके निकल रहे। देखिए मैं भी उठा ली थी, हम सब अभी निकल चुके हैं, यार कैब अभी तक आया नहीं है। तो अभी हम सामान लेके आधे रास्ते तक आ चुके हैं, सुबह के आया लगे आधा रास्ता, मतलब घर से थोड़ा आगे आगे जहाँ कैब आएगी। और हमारी इशू रानी बहुत ज्यादा हो रही है, उसको जाने का मन नहीं हो रहा। हाँ ये पूरा एरोली का डस्टबिन है ना, सेक्टर 2 का, ये सेक्टर 2 का है, सेक्टर 3 का उधर है, सेक्टर 1 का उधर है। इसे हाई कर दे, बोल हाई। इशू का मूड नहीं है, सब मूड बहुत खराब है, तो चल रहे चलो। हमारे आसाम में अभी तक सुबह हो जाता है, बट यहाँ पे सुबह नहीं हुआ, यहाँ पे थोड़ा लेट से होता है। यहाँ क्या दिल्ली राजस्थान, मतलब जो
इस साइड जो है बहुत लेट होता है और शाम भी बहुत लेट से होता है। देखिए हमें लग रहा है सुबह का 7 बजे का। आसमान में भी देखिए सब नहीं, मतलब हम लोग जा रहे हैं, बुआ भी जाएगी स्टेशन, बाबू जाएगा, सिद्धि जाएगी, दीदी नहीं जा रही, दीदी का काम है, खड़ा मतलब लगेज रखा हुआ है और कैब आ रही है, मतलब लेट करता है। फिर आगे मैं स्टेशन पर दिखाती हूँ, कैब का भी दिखाऊंगी।